नमस्ते, मैं अब योग्राम जाने वाली हूँ। रूम बुकिंग भी कर चुकी हूँ और रूम शेयर करके जा रही हूँ। मतलब मेरे साथ एक और है, उनके साथ में जा रही हूँ। तो इस तरह से मेरा जो खर्च है वो आधा हो जा रहा है, क्योंकि एक रूम चार्ज जो है तपस्वी कुटिया का कम से कम 10 दिन के लिए बुकिंग करनी रहती है और एक दिन का 4,000 है। तो इस हिसाब से 10 दिन का 40,000 पड़ता है। तो शेयर कर रही हूँ तो इस वजह से मुझे सिर्फ 20,000 रूम चार्ज देना पड़ रहा है। और रूम शेयर करके मैं योग्राम में रूम बुकिंग की हूँ। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से योग्राम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहा है। कल भी मुझे कई लोगों ने कॉन्टेक्ट किया कि उसको व्हाट्सएप के थ्रू फॉर्म दिए जा रहे हैं सबमिट करने के लिए, और उनको व्हाट्सएप के थ्रू बैंक अकाउंट दिए जा रहे हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो इस तरह के लोगों से बचिए प्लीज। मैं आपको जेन्युइन तरीका बताती हूँ क्या जेन्युइन तरीका है योग्राम में रजिस्ट्रेशन करने का और पेमेंट करने का। इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आप भी समझ पाए कि हाँ, जेन्युइन तरीका क्या है योग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने का। तो चलिए मैं अब दिखाती हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल में आप योग्राम का वेबसाइट आप सर्च कीजिए। योग्राम डॉट, देखिए मैं टाइप कर रही हूँ, योग्राम डॉट दिव्य योगा डॉट कॉम। ये योग्राम का वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे, योग्राम डॉट दिव्य योगा डॉट कॉम। इस वेबसाइट में आपको जाना है। ये देखिए, अब योग्राम का वेबसाइट खुल गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। आप क्लिक कीजिए, इसके बाद आपको ये पेज खुलेगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रूम अवेलेबिलिटी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस डेट को कौन सा रूम आपको मिलेगा, कितना रूम खाली है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें जाना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे 24 घंटे के अंदर आपको लॉगिन पासवर्ड मिलेगा। जब वो लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा तब आपको यहाँ लॉगिन होना है, इस जगह लॉगिन होना है, ठीक है। यहीं पे लॉगिन हो करके आप रूम बुकिंग करेंगे और पेमेंट भी आपको करने के लिए इसी लॉगिन करना होगा। लेकिन इसे लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पासवर्ड चाहिए होगा। तो लॉगिन पासवर्ड आपको कब मिलेगा, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ जा कर के आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो मैं ये क्लिक करती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है गो टू ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। मैं इसे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि एक हेल्थ सीकर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है या दो। आप एक देखिए, जब एक लोग इलाज कराने के लिए जाएंगे तो एक आदमी का भी एक रूम चार्ज लगेगा, ठीक है। और अगर उसी रूम में दो लोग रह करके इलाज कराएंगे तो भी आपको वो रूम चार्ज पे करना ही पड़ेगा। यानी कि एक रूम में रह करके अगर एक इंसान इलाज कराएगा तब भी उसको उतना ही पेमेंट करना है जितना उसी रूम में दो लोग रह करके इलाज कराएंगे। तो आप अगर एक इंसान जा रहे हैं, कोई एक हेल्थ सीकर या एक पेशेंट जा रहा है, तो वन आपको सेलेक्ट करना है और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। अगर दो लोग इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो ये जो टू ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो टू ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको दो फॉर्म मिलेगा। वन पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म मिलेगा। तो मैं टू पे क्लिक करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे दो लोगों का फॉर्म मिलता है, ठीक है। मैं टू कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट हेल्थ सीकर। यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, कोई भी फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो हो या फिर आप मोबाइल से खींचे हो, कोई भी फोटो यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, हस्बैंड फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर यहाँ पे लिखना है, हिस्ट्री डिजीज लिखना है, ठीक है। आपको जो जो बीमारी सारा लिख दीजिएगा। फैमिली हिस्ट्री यानी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। और फिर आपको यहाँ पे देखिए चूज फाइल है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिपोर्ट अटैच करना है। तो पीडीएफ वगैरह बना करके आप कर दीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। तो आपको सिर्फ अपना एक मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पे अटैच करना है और कुछ नहीं। और नीचे एड्रेस आपको लिखना है, यहाँ पे जो आपका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है ये सब एड्रेस लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपको नीचे सेकेंड हेल्थ सीकर का फॉर्म मिलेगा, क्योंकि आपने टू पे क्लिक किया है इसलिए दो फॉर्म मिलेगा। पहला फर्स्ट हेल्थ सीकर का हो गया और ये सेकंड हेल्थ सीकर लिखा हुआ है, यानी कि दूसरे पेशेंट का। आपको यहाँ पे सेम वही फॉर्म है, फोटो अटैच करना है, कोई भी पासपोर्ट साइज या कोई भी फोटो जो मोबाइल से खींचे हो, और सेम टू सेम दूसरे पेशेंट का आप यहाँ पे डिटेल सबमिट कर दीजिए, भर दीजिएगा। जब आप पूरा अच्छे से लिख दिए उसके बाद आपको सबमिट यहाँ पे कर देना है,
देखिए यहाँ पे सबमिट अ फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जो दोनों हेल्थ सीकर यानी दो पेशेंट एक रूम में रहकर के इलाज कराना चाहते हैं तो ये प्रोसेस है। अगर सिर्फ एक इंसान इलाज कराना चाहता है तो उसको वन पे क्लिक करना है, तो एक ही फॉर्म मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसे लॉगिन पासवर्ड मिलेगा। फिर उस लॉगिन पासवर्ड से ही आप लॉगिन हो सकते हैं, रूम बुकिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ। और जब आप पेमेंट करेंगे ना तो आपको खुद वहां पे बैंक अकाउंट का डिटेल आपको वहीं का वहीं मिल जाएगा। आपको ऑफलाइन का दो ऑप्शन वहां पे मिलेगा जहां तक मेरी जानकारी, क्योंकि मुझे सिर्फ दो बैंक का ही ऑप्शन मिला था, एक एक्सिस बैंक का और एक SBI बैंक का, यही दो बैंक का ऑप्शन मिला था। तो मैं SBI में पेमेंट की थी, और जैसे कि आप SBI अगर चुनेंगे तो SBI का पूरा डिटेल वहीं पे आ जाएगा। कोई आपको मैसेज करके नहीं बताया जाता है, ना ही मेल करके बताया जाता है। जब आप लॉगिन होंगे तो जब आप बैंक सेलेक्ट करेंगे कि हाँ SBI बैंक है या एक्सिस बैंक है, तो उस बैंक का पूरा डिटेल आपके सामने खुद पे खुद आ जाता है। कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि मतलब आप लोग बताते ना कि वो अपना बैंक अकाउंट का डिटेल भेजा, आपको व्हाट्सअप किया, फिर आप उस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब जाएंगे चुनेंगे, जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ वहीं पे आपको बैंक डिटेल, वहीं लॉगिन आईडी जब आप यूज करेंगे, लॉगिन होंगे तो वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा बैंक चुनने का। आप अपनी सुविधा के हिसाब से एक्सिस बैंक या SBI बैंक आप चुन लीजिए, और जब आप चुनेंगे तो उस बैंक का पूरा डिटेल अपने आप आ जाता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। मैं इस प्रोसेस को फिर से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग किसी ठग के चक्कर में ना फंसे, सही सही तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करें और आप अपना इलाज करा सकते हैं इस तरह से। और आप चाहे तो एक रूम में दो लोग रह करके इलाज करा सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।